शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव किया गया है। बिहार शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव किया गया है, और बदलाव क्या है इस बदलाव को ध्यान से देखिए, बदलाव क्या किया गया है? स्थायी निवासी होना अब जरूरी नहीं, बिहार का अस्थायी निवासी होना अब जरूरी नहीं, ये बहुत बड़ी अपडेट हो जा रही है। शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? आप सभी को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मुबारक हो। खुशखबरी ये है दोस्तों कि बिहार में जो इतनी बड़ी वैकेंसी आई थी शिक्षक भर्ती की, उसके लिए अब तक केवल बिहार के लिए योग्य थे, लेकिन अब उस योग्यता को खत्म कर दिया गया है। अब बिहार शिक्षक भर्ती में बिहार राज्य के अलावा भी अन्य राज्य के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के साथ ही साथ वो नौकरी भी पा सकते हैं। वो बिहार का हो या यूपी का, वो अच्छा कर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। तो अब बिहार का स्थायी निवासी होना ये कंपलसरी नहीं, ये मैंडेटरी, आप सब इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब आई दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट अभी निकल के आ रही है कि बिहार शिक्षक भर्ती में अब तक केवल बिहार के ही बच्चे अभ्यर्थी थे, बिहार के ही बच्चे भर पाएंगे, लेकिन अब इस अभ्यर्थी को, अब इस दोस्तों बिहार के स्थायी निवासी होने को रद्द कर दिया गया। अब यानी कि कोई भी बच्चा इस वैकेंसी को भर पाएगा। तो प्रेस रिपोर्ट देख लीजिए, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा के नियमावली 2023 को स्वीकृत के संबंध में नियम क्या देखिए कि इस नियमावली के संशोधन उपरांत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार के अस्थायी निवासी होने की अर्हता अनिवार्य नहीं रहेगी। मतलब ये कंपलसरी नहीं रहेगा कि केवल बिहार वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, मतलब अब कोई भी अप्लाई कर पाएगा। अगर कोई दोस्तों जिसने सीटेट पास कर रखा है या सीटेट की जुलाई में होने वाला एग्ज़ाम फॉर्म भर रखा है तो वो अप्लाई कर पाएगा, या फिर उसने बिहार का टेट क्वालिफाई कर रखा है। लेकिन एक चीज़ कंडीशन है दोस्तों कि जो बीएड सेकेंड ईयर में है, अगर उसकी एग्ज़ाम मार्कशीट 31 अगस्त तक हो जाती है, 31 अगस्त तक अगर उसका एग्ज़ाम हो जाता है तो वो भी यह फॉर्म को भर पाएगा। इसके लिए मेन कैटेगरी, मेन कंडीशंस क्या है देखिए, दो चीज़ें। पहला दोस्तों, पहला कि आप 12th पास हो, 12th पास के अलावा अगर आप DLED कंप्लीट हो, और उसके साथ दोस्तों आपने सीटेट पास कर रखा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप DLED नहीं किया, आपने BEd किया है, ठीक है, तो BEd अगर किया है लेकिन उसके साथ अगर आपने सीटेट पेपर वन पास किया है तब भी आप भर सकते हैं। अगर आप BEd फाइनल ईयर में है तो फाइनल ईयर में है, और अगर आपका 31 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम्स हो जाता है, मार्कशीट रिलीज कर दी जाती है, 31 अगस्त तक पास हो जाते हैं, और सीटेट जुलाई 2023 जो होने वाला है उसमें अपने फॉर्म भर रखा है, अगर उसको क्लियर कर लेते हैं तो आप योग्य हो जाएंगे, यानी कि अभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये इसकी मेन कंडीशन है। सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि बिहार का अस्थायी निवासी होना मैंडेटरी था अभी तक, जिसे कैंसिल कर दिया गया है। अब आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार के ही हो, अगर आप अन्य राज्य के हैं तब भी आपको मौका मिलेगा, अगर आप अन्य राज्य के हैं तब भी आपको फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों अभी मज़ा आएगा नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत बड़ी संख्या में कॉम्पिटिशन्स होगी। अब तक केवल बिहार, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं, 1,70,000 से वैकेंसीज है जो कि कम नहीं होती, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। और अब अगर जब तक बिहार वालों के लिए था तो बिहार वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, लेकिन अब जब ओपन कंपटीशन होगा, सबको मौका मिलेगा, तब कॉम्पिटिशन्स का लेवल बढ़ के आएगा। तो ये है दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट। अब फॉर्म कैसे भरना है ये भी अपडेट कर दिया जाएगा, हालांकि कुछ चैनल वालों ने बना रखा है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जिनका बीएड हो चुका है या बीएड कर रहे हैं और सीटेट कंप्लीट है या सीटेट देंगे जुलाई में, वो दोस्तों जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म को भर लें बिहार शिक्षक भर्ती में, और तैयारी शुरू कर दें दोस्तों। बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती निकलने वाली है, और इस प्रक्रिया को बहुत जल्दी राज्य सरकारें समाप्त करेंगी, क्योंकि उनका मेन फोकस कहाँ है 2024 के चुनाव पे। तो जल्दी से जल्दी उनकी ये प्रक्रियाएँ पूरी करेंगी और जल्द से जल्द आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो बहुत बड़ी अपडेट उन सभी बच्चों के लिए जो शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। यूपी में ना सही, बिहार में मौका मिलेगा तो आप डेफिनेटली भर सकते हैं बिहार का। हालांकि बिहार के बच्चों को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बिहार के कुछ स्टेट क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे तो उसमें उनका फायदा हो जाएगा, बट नो इशू, जो बच्चा अच्छे से मेहनत करेगा इधर ही बिहार का। पूरी अपडेट अब बाकी इससे संबंधित जो भी अपडेट आएगी आपको बताया जाएगा। फिलहाल तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब बिहार के बाहरी राज्य वालों भी को भी ये मौका मिलेगा कि वो अप्लाई कर सके। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। चैलेंजेस बहुत बड़ा है, परीक्षा बहुत कठिन होने वाली है, मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इधर उधर अब समय नहीं गंवाना है, अब आपको जम के मेहनत करना है, क्योंकि ये बात सीधे नौकरी की है, बात डिग्री रिजल्ट पढ़ाई मार्कशीट की नहीं, अब सीधे बात जॉब की है और नौकरी की है, एक शिक्षक या शिक्षिका बनने की, उस ख्वाब उस सपने की है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके ख्वाब आपके सपने जरूर पूरे होंगे,
मेहनत जम के करिएगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। कोई भी अपडेट आती है आपको बताया जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नहीं जुड़े चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद साथियों।